दिल्ली से लग्जरी गाड़ियां चोरी कर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बेचने वाला गिरोह पकड़ा गया। चाबी बनने की मशीन, जीपीएस डिस्कनेक्ट करने के लिए जैमर साथ रखते थे। दिल्ली से लग्जरी गाड़ी चोरी कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बेचने वाले गिरोह को द्वारका जिला पुलिस की टीम AATS ने पकड़ा है। आरोपियों के पास से 12 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। आरोपी अमजद राजा खान, नकलुम बिसाई, सुनील और मदन को पुलिस ने 4 अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी लग्जरी गाड़ियों को चोरी करने के लिए चाबी बनाने वाली मशीन, GPS डिस्कनेक्ट करने वाले जैमर साथ रखते थे। पुलिस उपायुक्त M. हर्षवर्धन ने बताया कि द्वारका सेक्टर 26 से चोरी हुई एक लग्जरी कार की चोरी के केस में AATS के इंचार्ज इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की टीम जांच कर रही थी। पुलिस को द्वारका सेक्टर 26 से चोरी हुई गाड़ी के साथ एक युवक के भरतल गांव आने की सूचना मिली। पुलिस ने ट्रैप लगाकर सुनील और मदन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से 2 पिस्तौल, 10 गोलियां और चोरी की कार बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दिल्ली NCR से लग्जरी गाड़ियां चुराते थे। इनकी निशानदेही पर 5 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। आरोपियों के कमरे से 345 कारों की चाबियां, चाबी बनाने की मशीन, GPS डिस्कनेक्ट करने वाला जैमर बरामद किया है। दिल्ली से बिहार जाती थी गाड़ी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ऑर्डर मिलने पर दिल्ली से केवल लग्जरी गाड़ी चोरी करते थे और बिहार में रहने वाले अमजद रजा खान को बेचते थे। अमजद ही उन्हें गाड़ी चोरी करने का ऑर्डर देता था। पुलिस ने पूर्वी चंपारण में छापेमारी कर अमजद को गिरफ्तार कर लिया है। अमजद ने पूछताछ में बताया कि वो दिल्ली से आने वाली सभी गाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश के खोंसा में रहने वाले नकलुप को बेचता है। पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश से नकलुप को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि वो मांग के अनुसार ही इन गाड़ियों को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में बेचते थे। गिरोह के पास से 3 पिस्तौल, 14 कारतूस, वाहन चोरी के टूल, 345 कारों की चाबी, जैमर, वॉकी टॉकी आदि भी बरामद किया है। रिकवर किया गया। इस तरह टोटल इस केस में 12 गाड़ी रिकवर हुए हैं, जिसमें 3 ब्रेजा, 1 क्रेटा, 2 स्विफ्ट डिजायर, 1 I-20, 1 वैगनार, 1 सेलेरियो, 1 इग्निस गाड़ी और 2 स्विफ्ट गाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी चोरी का रिकवर हुआ है, जो ये अपने वारदात करने के पहले रेकी करने के पर्पज से यूज करते थे। और टोटल 3 वेपन रिकवर हुए हैं, 2 तो जो ऑटो लिफ्टर थे उनके पास से और 1 रिसीवर के पास से। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट जो कुछ बात सामने आई है, 1 जो स्विफ्ट डिजायर है जनकपुरी से दिसंबर के महीने में ये जब चोरी कर रहे थे तो जो गाड़ी का ओनर था उसको पता लग गया था और जब वहाँ पहुँचा तो उसके साथ इन्होंने मारपीट करके रॉबरी किया था। तो रॉबरी का केस भी इन पर दर्ज है। गाड़ी वहाँ से ओनर के आने के बावजूद ये रॉबरी करके गाड़ी वहाँ से लेकर गए थे। तो ये बहुत ही डेस्परेट टाइप के ऑटो लिफ्टर हैं। तो वो गाड़ी भी हमने रिकवर किया है और जो जनकपुरी का रॉबरी का केस था दिसंबर का, उसको भी हमने वर्कआउट किया है। और जो इनके पास से मिले हैं उसमें 3 वॉकी टॉकी शामिल हैं। ये पुलिस से बचने के लिए कि पुलिस जो है मोबाइल का लोकेशन वगैरह के बेसिस पे काम कर सकती है, उससे बचने के लिए वॉकी टॉकी रखते थे और एक दूसरे से वारदात के टाइम पे वॉकी टॉकी के थ्रू ही संपर्क करते थे। करीब 300 से ऊपर अलग अलग गाड़ियों के चाबी मिले हैं इनके पास से, जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो जो गाड़ी है उसके हिसाब से चाबी लगाते थे और उस पर काम करते थे। आज के रेट में आप जानते हैं गाड़ियों, जिस तरह के हाई एंड लग्जरी गाड़ी हैं उसमें गाड़ी को चाबी को प्रोग्राम करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कीज होते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग मशीन है जो करीब 1.5-2 लाख रुपए का आता है प्रोग्रामिंग मशीन, वो भी उनके पास से मिला है। चाबी बनाने का एक मशीन भी उनके पास से मिला है और एक इलेक्ट्रॉनिक जैमर भी मिला है जो वे यूज़ करते थे GPS को जैम करने के लिए। अगर किसी गाड़ी में GPS लगाओ तो GPS को भी यूज़ करके उनको ट्रैक ना किया जा सके। तो इस तरह वो काफ़ी हाईटेक तरीके से, काफ़ी अच्छे से प्लानिंग करके डेस्परेट तरीके से गाड़ी का चोरी करते थे और उसको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और असम में हमारी टीम ने रेड किया है और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी और भी लोगों का इसमें गिरफ्तार होने का चांस है और इन्वेस्टिगेशन हम अभी भी इसमें कर रहे हैं। तो इस तरह हमारी टीम ने इस साल कई सारे अच्छे काम किए हैं रिलेटेड टू स्टोलन व्हीकल्स।
तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।